अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शाहीन एंड वेलकम बैक टू कुक विद शाहीन। सबसे पहले तो आप सभी को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। प्लीज़ दुआ में याद रखें। और अब बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ, जो कि आज बनाने जा रही हूँ मैं मद्रास चिकन। तो वैसे भी ईद के मौके पर सभी के यहाँ नॉन वेज बनता है, तो क्यों ना आज चिकन से स्टार्टिंग की जाए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैरिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और नमक चिकन में लगा कर रख रही हूँ। चिकन के पीसेस को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था, और बहुत ध्यान रखें कि इसमें पानी ज़रा भी ना रहे। और हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो मसाले के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, कम से कम 4 टेबल स्पून्स मैंने यहाँ पर ऑयल हीट किया है। इसमें मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, खड़ी धनिया यानी कि जो धनिया के दाने होते हैं वो 2 बड़े चम्मच, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच और रेड चिलीज़ यानी कि सूखी लाल मिर्च 5 से 6। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं अगर आप तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि ये रेसिपी ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए आप इसकी हॉटनेस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। तो अब मैं इसमें 2 कप अनियंस डाल रही हूँ, इस तरह से मैंने काट के रखा हुआ था। उसके साथ ही मैं यहाँ पर 1/2 कप टोमेटोज़ डाल रही हूँ। टोमेटोज़ भी मैंने बड़े बड़े कट कर लिए हैं। लहसुन 5 से 6 कलियाँ, अगर आपके पास छोटी कलियाँ हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकती हैं। और 1 से 1.5 इंच तक अदरक, इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें हम दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और जो स्टार अनाइस होता है उसकी कुछ पत्तियां डालेंगे, यानी कि खड़े गरम मसाले भी डालना है। और जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते प्याज, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, इसे ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद हमें इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर ये स्मूथ पेस्ट तैयार है, आप देख सकती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल हीट किया है, उसमें मैं यहाँ पर तेज़पत्ता डाल रही हूँ। अगर आपके पास करी लीव्स भी अवेलेबल हैं तो आप करी लीव्स भी साथ में डाल सकती हैं। तो अभी ये फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें चिकन डालने जा रही हूँ, जो मैंने कुछ देर पहले मैरिनेट करके रखा था। अच्छी तरह से चिकन को हम चलाते रहेंगे जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता। और आप देखेंगे इसकी जो ऊपर से स्किन है वो वाइट हो जाएगी, यानी कि वो हाफ कुक हो जाएगा। उतनी देर हमें इसे इसी तरह से चलाते रहना है और पकाते रहना है। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे सॉटे करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा, तो आप बीच बीच में इसे चलाते रहें और ढके ना बिल्कुल भी, और जब तक इसका पानी ना सूख जाए तब तक चलाएँ। तो अभी ये पूरी तरह से पानी सूख गया है, अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीसा हुआ था। आप चाहें तो ग्रेवी में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं। तो यही इसी मसाले में मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, और पानी इसी तरह से जो भी मसाला है इसी में करके मैं पानी कढ़ाई में डाल दूँगी। पानी भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, पर आप अगर ग्रेवी थोड़ी पतली चाहती हैं तो आप पानी डाल सकती हैं, अदरवाइज़ ये भुना हुआ ही बनता है। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि चिकन जब हमने मैरिनेट किया था तो हमने उसमें सॉल्ट डाला था, तो अगर आपने उस वक्त सॉल्ट कम डाला था तो अभी आप यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर सकती हैं। बट अगर आप सही सॉल्ट आपने डाला था तो आपको यहाँ पर कोई नीड नहीं है डालने की। तो फिर भी मैंने यहाँ पर अभी सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा सा, और रेड चिली डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये ऑप्शनल है, अगर आप ड्राई रेड चिली ज़्यादा डाल रही हैं मसाले में तो आप यहाँ पर ये रेड चिली पाउडर स्किप कर सकती हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक कर पकाएंगे इसे हम 10 से 15 मिनट, यानी कि जब तक इसमें जो तेल है वो सेपरेट नहीं हो जाता, किनारों पर नहीं आ जाता, और जब तक तब तक चिकन अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए तेल किनारे पे आ गया है और चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो अभी मैं इसमें इसे धनिया से गार्निश कर दूंगी। फ्लेम भी ऑफ कर देंगे
पूरा चिकन हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाना है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है। और बस मद्रास चिकन रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को ईद मुबारक अगेन, हैप्पी ईद, स्टे सेफ।